मैं श्री राम राजभर बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सिपाही हूँ। परम आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी ने अपने संगठन मुझको मंडकापुर का जूनियर कोऑर्डिनेटर बनाया था, जिसको इन्हें बखूबी से निभाने का काम किया था। अच्छा, इस बार विधानसभा चुनाव में आपको क्या दिख रहा है? इस बार विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां है, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों का आदर्शों में चिन्हों पर चलकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि श्री बहन कुमारी मायावती 2022 में पांचवी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस बार राजभर समाज को जैसे कन्फ्यूज हो गए, उनको क्या? राजभर समाज को राजभर समाज कोई कन्फ्यूज नहीं है। राजभर समाज महाराजा सुहेलदेव वंशज है, मानव कांसी राम साहब के आदर्शों पर चुनाव पर चलना जानता है। और राजभर समाज को जो लोग गुमराह करने की बात करते हैं, राजभर समाज में तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। जैसे गुमराह करने के लिए तो आपके पार्टी के ही, मतलब आपकी पार्टी नहीं, आपके बिरादरी के जो बड़े नेता कहे जाते हैं, प्रकाश राज जी, जो इस समय पूर्णिया विधानसभा में एक जनसभा, बड़ी जनसभा करने के लिए। देखिए, वह जनसभा पुरुलिया की जनसभा जरूर है, लेकिन उस जनसभा में मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जनपद की जो 10 विधानसभाएं जो आजमगढ़ से ताल्लुक रखती हैं, 10 विधानसभा पे वहाँ पे राजभर समाज को लाया गया है। ओम प्रकाश राजभर हतोत्साहित है, वह मानसिक गलियापन के शिकार हो गए हैं। राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर के बहकावे में आने वाला नहीं है। मैं चैनल के माध्यम से माननीय ओम प्रकाश राजभर को बताना चाहता हूँ, यहाँ जो बाप बेटे की सरकार चलती है, जो राजभर समाज का शोषण होता है, राजभर समाज के बेटों की हत्या होती है, राजभर समाज समाजवादी पार्टी के सरकार में राजभर समाज की 3-3 बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, और नतीजा यह रहा उसका जो है NCR तक नहीं दर्ज किया गया और उसको थाने से डांट कर भगा दिया गया। राजभर समाज उनको बखूबी से इंतजार कर रहा है कि आने वाले 7 मार्च को चुनाव निशान हाथी की बटन को दबाकर आदरणीय डॉक्टर सरोज पांडे के हाथों को मजबूत करके संग्राम यादव को निश्चित तौर पर, लोग कह रहे हैं, जनता ने फैसला ले लिया है, खास तौर से राजभर समाज के लोगों ने कहा, ये फैसला ले लिया है, ओम प्रकाश राजभर बहुरुपिया है, उनके बहुरुपिया पंडे आने वाले नहीं है। यहाँ पर लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी बनाम बहुजन समाज पार्टी के बीच में है। आदरणीय डॉक्टर सरोज पांडे, जिन्होंने कोरोना काल से लेकर उससे पहले तक जो अपना दरवाजा 24 घंटा सर्व समाज के लोगों को खोल कर रखा था और अपने सेवा भाव दिखाया है, उसी का प्रतिफल है कि सारा दलगत बंधन टूट गया है, सारी दल की सीमाएं टूट गई है। आदरणीय डॉक्टर सूरज पांडे जी भारी मतों से विजयी होने जा रहे हैं। मैं चैनल के माध्यम से माननीय प्रकाश राजभर जी को बताना चाहता हूँ कि राजभर समाज के जो आप ठेकेदार बनते हो, आपने कहा था कि जो राजभर समाज समाजवादी पार्टी वोट देगा वो अपनी माँ बहन बेटी के साथ घात करेगा, तो रतरौलिया का राजभर समाज अपनी माँ बहन बेटी के साथ घात करने वाला नहीं है। माननीय ओम प्रकाश राजभर, अपने चक्कर में रहो, अतरौलिया का राजभर समाज माँ बेटी के साथ घात दुराचार बलात्कार नहीं करेगा और आप पुनः आपको पुनः बना भेजने का काम करेगा। धन्यवाद।